कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूलिया के समर्थन में जनसभा लेने रतलाम पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तारीफ की। वहीं पीएम मोदी पर किसानों और गरीबों से धोखा कर उद्योगपतियों की जेब भरने का आरोप लगाया। इसीलिए मैं आज आप सबसे आग्रह करती हूँ कि वोटिंग के दिन जिस समय आप पोलिंग पे जाएंगे और किसी पार्टी के पक्ष में बटन दबाएंगे तो मेरी बातों को याद रखिए और उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। आपके सामने खड़े हुए कभी मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकती। सच्चाई यह है कि यह सरकार आपके हित में काम नहीं कर रही है। जो आपकी किसान की बीमा का पैसा है वो भी 10,000 करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जाता है। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी किसान के कर्ज माफ कर रही है, भाजपा के नेता हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें झूठा कहते हैं और ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है गरीबों को देने के लिए, किसान के कर्ज माफ करने के लिए। सच्चाई क्या है बहनों और भाइयों, 550,000 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं। ये स्थिति है, ये सच्चाई नहीं कहते, ये आपको झूठ झूठ से गुमराह करना चाहते हैं ताकि इनकी सत्ता बनी रहे, ये सत्ता में रहे और आपको कुचल जाए, इस लोकतंत्र को तोड़ डाले। इसीलिए ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, इस चुनाव में सोच समझ कर अपना वोट दीजिए। कांग्रेस को जब आप मजबूत बनाएंगे तो आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाएंगे, आप अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने नौजवानों, किसानों और अपने भाई बहनों को मजबूत बनाएंगे। मैं आग्रह करती हूँ कि भारी भाव बहुमत से आप कांतिलाल भूलिया जी और कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश की धरती से विजयी बनाकर देश भर में यह ऐलान कीजिए कि ऐसा अब नहीं चलेगा, कि देशवासियों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की हित में काम करे और जनता का आदर करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी।